जय हिंद दोस्तों, आप लोग का रिजल्ट इस महीने के आखिरी तक या अगले महीने के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। ठीक है, अफवाहों से बचे रहिए। कटाप बहुत ही नॉर्मल रहेगा, 80 क्रॉस नहीं करेगा। कुछ भाई पूछ रहे थे कि 80 नंबर मेरा जनरल से हो जाएगा कि नहीं। हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है, 100% हो जाएगा। एक लोग परेशान है, ओबीसी में कह रहे 79 मार्क्स होगा कि नहीं। हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा। गर्ल्स का कट ऑफ जो लास्ट कट ऑफ है वही रहेगा, मतलब जो आपका कट ऑफ डीवी के लिए है उसमें मुश्किल से 0.25 जोड़ लीजिएगा। बाकी जितनी लड़कियों ने पहले से डीवी करा लिया है, कि नई वाली लिस्ट आने से पहले जितनी लड़कियों ने करा लिया उन सबका सिलेक्शन हो जाएगा। हैंडीकैप का पूछ रहे हैं आप लोग कि 60 नंबर है पीएच का टिकली, सॉरी मेरे भाई 60 नंबर पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, आपका 60 मार्क्स है, हो जाएगा। ठीक है, एकदम परेशान मत होइए। SC ST वालों का कटा मैं बता ही चुका हूँ, जस्ट इसके नीचे ही वीडियो है, आप देख लीजिए। ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, खबरी बहुत बड़े बड़े हैं लोग, खूब बड़ी बड़ी कटा बताते हैं, आप लोग जम के गरियाते भी उनको हैं। एक ने कितना बताया था 82.5, फिर 82 पे आ गया है, फिर 81 नंबर पर आया है, तो आप लोग उनकी क्लास भी जम के लगाते हैं। हमारे पास टेलीग्राम पर मैसेज करते हैं आप लोग कि आप क्यों नहीं बता रहे हैं। अरे भाई, मुझे गाली नहीं खाना है, मेरे हिसाब से कटाप इतनी नहीं जा रही है तो मैं क्यों बताऊँ। रही बात कटाप बताने की, जो एनालिसिस करके बताऊंगा वही तो बताऊंगा। मेरा रिलीज का एक प्रूफ देख लीजिए आप लोग, अभी रिसेंट जो लिस्ट आई थी लड़कों की, सभी ने कहा था 3 से 4 हज़ार तक बुलाए जाएंगे। ग्रुप में जुड़े हैं बहुत से ग्रुप लेखपाल के, सब में आपने देखा होगा 3 से 4 हज़ार, 3 हज़ार तक नीचे कोई बात ही नहीं कर रहा था। मैंने वीडियो में बोला था 1500 से 2 हज़ार लड़के मैक्सिमम बुलाए जाएंगे, 1600 लड़के बुलाए गए थे। तो मेरा पहला एनालिसिस ही देख लीजिए सही है। तो पहली बात, कटाप बताने वाले भाइयों, आप बेस किसको मान रहे हो? 77 मान रहे हो, 77 मान रहे हो, 75 मान रहे हो, कितना मान रहे हो, 76 मान रहे हो? देखो, बेस के एवरेज को लिया जाता है। आप 77 को भी एवरेज लेंगे ना, बेस लेंगे ना, तो भी कटाप 80 क्रॉस नहीं करेगी। आप 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, एक तो 5 नंबर बढ़ा दिए, 82 नंबर 82 नंबर बता दे रहे लोग, मत कीजिए ऐसा। ऐसे लड़के परेशान होते हैं। ये कुछ लोग हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं, 83-84 मार्क्स है, तो अपना कटाप भी उसी लेवल में बताते हैं, होगा कुछ नहीं उनके बताने से, मगर ये है कि लड़के परेशान हो जाएंगे। कोई खाना पीना छोड़ दे रहा है, कोई घूमने लग रहा है, कोई सिगरेट पीने लग रहा है टेंशन में आके, कोई सुरती खाने लग रहा है, कोई गुटखा खा रहा है टेंशन में आके, किसी के पास पैसा है तो दारू भी पी ले रहा है, मैसेज कर रहा है भाई बहुत परेशान हूँ, पागल हो गया हूँ मैं, इतना कटाप बता रहे हैं। तो एक बार सोच लीजिए, सुन लीजिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कटाप का काउंटडाउन शुरू है, एकदम कटाप का काउंटडाउन शुरू है, परेशान होने की जरूरत एकदम नहीं है। कटाप का कभी भी रिजल्ट कभी भी आ सकता है, रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू है, रिजल्ट कभी भी आ सकता है। कटाप निकल गया था मुझसे, ठीक है, परेशान मत होइए। अगला चुनाव जो है लोकसभा का, आप ही लोग को कराना है, ये फिक्स है। बिना आपकी ज्वाइनिंग के लोग करा नहीं पाएंगे चुनाव, इतने लेखपाल है ही नहीं। अब बिना लेखपाल के चुनाव कैसे हो जाएगा यार? लेखपाल को आयरा गैरा थोड़ी होता है, अच्छी पोस्ट है। आप लोग जाइए, सभी लोग सिलेक्ट हो जाइए, मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ हैं। भगवान करे आप सब सिलेक्ट हो जाइए, जिस भी तहसील में जाइए राज कीजिए। कोई छोटा भाई बहन आए निवास जाति आधार जाति बनवाने के लिए, ठीक है, आय बनवाने के लिए, तो आप लोग उससे पैसे मत लीजिएगा, उसको परेशान मत कीजिएगा। जो परेशानी आपने झेली है आपकी आने वाली पीढ़ियां नहीं झेलेंगी, यह वादा कीजिए आप कि आप जहां जाएंगे आने वाले बच्चों को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। जो परेशानी आपने झेली है वो परेशानी अब किसी और को झेलने नहीं देंगे।
आपके लिए कितने भाइयों ने भी स्किप किया, बहनों ने स्किप किया, मैंने भी स्किप किया है, सभी ने स्किप किया है। तो इस बात को भी मत भूलिएगा कि जो लोग कह रहे हैं आपसे कुछ बातें कि भाई एक काम है तहसील पर, थोड़ा सा इसमें आसानी हो जाएगी, आप साथ दे देंगे तो साथ जरूर दीजिएगा। बाकी आप लोग को चयनित होने की एडवांस में बधाई, शुभकामनाएं, 80 मार्क्स वाले एकदम मस्त रहिए, मौज कीजिए, ठीक है। वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, बस काजी कौन फाउंड रस्तोगी फस्तोगी है सब, ये सब अंडबंड चैनल बनाए साले चमकाने के लिए। भाई आप लोगों ने उस चैनल को इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है, 20-25 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए हैं। हमें तो उतना प्यार नहीं मिला है, मिला है आप लोग का प्यार, ऐसी बात नहीं है। हमारा भी चैनल 200-300 लोग सब्सक्राइब किए हैं कुल मिला के, यार मुझे भी मिला है, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं मेरा 15,000-20,000 सब्सक्राइबर नहीं पड़े हैं, तो कोई बात नहीं। बस आप लोग अच्छे से काम कीजिएगा, आने वाला चुनाव कराने की तैयारी कीजिए, सभी सेलेक्ट हो जाइए, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है, ठीक है। आप ही के लोग, मैंने भी कितना बार फोन कर करके लोगों से कहा है स्किप कर दीजिए, रिकॉर्डिंग में ग्रुप में डालता था सिर्फ आप लोग के लिए कि आप लोग सेलेक्ट हो जाओ, कोई सीट खाली न चली जाए, बर्बाद ना हो। मेरी भावनाएं आप लोग के साथ हैं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सभी लोग जाइए, खुशियाँ मनाइए, टेंशन मत लीजिए, खबरियों की बड़ी बड़ी खबरों से एकदम इग्नोर कीजिए, मस्त रहिए, आप सेलेक्ट होने वाले हैं तो जान लीजिए, ठीक है। आराम से खाइए, आराम से नींद लीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, जय हिंद, भारत माता की जय।